हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक माता रानी का ये वाला माता रानी का लहंगा बनाना सिखाऊंगी आज के वीडियो में मैं आपको, और आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको इस तरह इसको किस तरह से बनाना है। देखिए फिनिशिंग, देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ आया, कहीं से भी कुछ भी खराब नहीं हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरह से मैंने एक ये रेडीमेड चुनरी ली थी मार्केट से, इस तरह से इस चुनरी के साथ में गोल्डन वर्क है, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर में ये लहंगा बनाया है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे। देखिए गाइस, माता रानी का लहंगा कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ, क्योंकि मार्केट से अगर आप खरीद के लाते हो तो ये देखिए नॉर्मल इस तरह के लहंगे जो होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं, 80-100 रुपए के छोटी सी माता रानी के जो लहंगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अस्तर भी इसका इतना गंदा होता है, देखो मैंने एक बार हाथ से वॉश किया, अस्तर पूरा फट गया। तो हम बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ माता रानी का लहंगा बनाएंगे, आज मैं आपको लहंगा बनाना बताऊंगी, फिर इसके बाद चुनरी और चोली जो भी आगे पार्ट में आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि माता रानी का लहंगे का नाप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने कपड़ा तो यहाँ निकाल के रखा हुआ है, आपने सबसे पहले क्या करना है मेजरमेंट के लिए, कोई भी अपनी माता रानी का लहंगा ले लेना है, फिर उसी से आपको नापना है, या फिर आप डायरेक्ट मूर्ति से भी नाप सकते हैं, कमर से नीचे जहाँ पे आप लोग जैसे नेफा बांधते हैं ना, वहीं से नीचे तक का नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली एक ड्रेस है माता जी की, सेंटीमीटर में अगर नापेंगे तो ऐसे इस तरह से 11 सेंटीमीटर है, और ऊपर से देखो नापेंगे तो इस तरह से देखो ये 4.5 सेंटीमीटर तक का, ओ सॉरी 4.5 इंच इसका लेंथ है। तो 4.5 की जगह 1 इंच हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम नेफा में, वैसे तो हम नेफा अलग से लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे से भी हम मोड़ेंगे ना उसे, तो 5.5 इंच का जब कट कटू के 5.5 जब बनने के बाद ये 4.5 और या 4.5 रह जाएगी, तो 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारा नाप यहाँ पे बीच से रखेंगे तो 4.5 है, 4.5 की जगह हम जो कपड़ा लेंगे वो 5.5 इंच लेंगे। इसके बाद चौड़ाई अगर हम देख लेते हैं तो ऊपर तो ये देखो चुन्नट आ गई है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, पूरे घेरे का नाप ले लेंगे, घेरा वैसे हम अपने हिसाब से बनाएंगे लेकिन यहाँ नाप लेंगे देखो इस तरह से, ये यहाँ देखो घेरे का नाप जो है पूरा 9 इंच के आसपास इन्होंने घेरा लिया हुआ है इस ड्रेस में मार्केट की में। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच कितना भी ले सकते हैं। तो ये नेफा, नेफे का नाप ले लेंगे आप, तो मैं देख रही हूँ यहाँ से नापूंगी ना, अगर इस तरह से ये टोटल 10 इंच है ना, तो ये तो आप छोटा बड़ा कितना भी कर सकते हैं बांधने के अकॉर्डिंग, लेकिन मेन चीज कमर का जो नाप है वो 3 इंच है। तो टोटल ये हम 5.5 लेंगे कपड़ा जो लेंगे, और ये हम 10 इंच, 9 इंच की जगह आप बढ़ाकर भी ले सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कपड़े को कट करके, मैंने एक इस तरह से कपड़ा लिया, कपड़े को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया, प्रेस कर लेना कपड़े को, तो गोल्डन कलर का मैं ये लहंगा बनाने जा रही हूँ, बहुत खूबसूरत हमारा लहंगा बनेगा, और साथ में अस्तर भी हम बनाएंगे, अस्तर भी इसमें हम लगाएंगे। ये मेरा इसमें से जब मैंने कटिंग किया तो कटिंग करके मैंने ये इस तरह से ले लिया, ये देखो अस्तर में आप ज्वाइंट लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग टेलर से ब्लाउज पेटीकोट कुछ भी स्टिचिंग कराते हैं ना, तो उसमें जो अस्तर होता है कभी भी पूरा मार्जिन नहीं होता, तो उसमें हम ज्वाइंट लगा देते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे मैंने ये अस्तर लिया है, सेम जो मैंने ऊपर लिया ना, थोड़ा सा बढ़ा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटिंग जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम मेन कपड़े की बात करेंगे। ये देखो तो मेन कपड़े का जो नाप है मैंने यहाँ पे आप देख लो 5.5 इंच लिया है चौड़ाई जो हमें, ये इस तरह से लेनी है, ये देखो इस तरह से ये चीज, ठीक है। और जो घेरा है वो मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा और ज्यादा फैला हुआ घेरा बनाना है, तो मैंने यहाँ देखो 12, 12.5 के करीबन यहाँ पे ये घेरा ले लिया है, ये देखो, ठीक है। तो इतना बड़ा पीस मैंने 5.5 बाई 12 का मैंने एक पीस कट कर लिया है, उसके बाद मैंने सेम एक अस्तर का पीस कट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेफा कट करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने नेफा नेफा के लिए ये कट किया है, थोड़ा सा कपड़ा है, पट्टी देख लेती हूँ मैं बस बिना अंदाजे के कर ली, अब मतलब ऐसे 3 सेंटीमीटर है और ऐसे देखेंगे तो 1.5 इंच है, तो इसको बस जॉइंट लगाना पड़ेगा, एक जॉइंट आएगा यहाँ पे बीच में कमर पे इस तरह से, और ये बहुत अच्छे से ये नेफा बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ये लहंगे की कटिंग तो कर ली है, अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे, स्टिचिंग हमें कैसे करनी है, और गोटा पट्टी जो भी लेस मैं इसमें लगाऊंगी वो मैं पहले लहंगा बन जाएगा उसके हिसाब से देखूंगी कि इसमें कौन सी लेस अच्छी लग रही है, कैसा मुझे डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टिचिंग देख लेते हैं। तो अब देखिएगा करना क्या है, हमारा कपड़ा ये है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर से लेंगे, ठीक है, जो हमने अस्तर लिया है ये वाला, इसको आपस में हम अटैच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट है ना इसलिए,
कोई भी हिस्सा, कोई भी कैसे भी लेके आप इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। मैचिंग का धागा लेना मत भूलिएगा। देखिए इस तरह से ये अटैच कर लिया। अब हम इसको ड्रेस में अटैच करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कच्चा कर लेंगे। देखो अभी मैंने ये तीन साइड से कच्चा कर लिया। अब मैं इस तरफ से कच्चा नहीं करूंगी, अभी इस तरफ से डायरेक्ट मैं प्लेट भरूंगी। ठीक है, तो अब प्लेट हम डायरेक्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे गैदर करेंगे इसको। ये देखिए, देखो ऐसे यहाँ से ये हम ऊपर का साइड रखेंगे। आप कैसे भी प्लेट्स डाल सकते हैं, मैं फिलहाल ऐसे चुन्नट वाली प्लेट्स डालूंगी। देखिए इस तरह से हमने ये चुन्नट डाल ली है, इस तरह से ये बन गया है। अब मैं इस पे गोटा पट्टी लगाऊंगी। अब देखिए ये साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये ऐसे। ठीक है, देखो जैसे मैंने ये फोल्ड किया है इस तरह से, सेम ऐसे इस साइड से भी फोल्ड कर दूंगी मैं। देखिए इस तरह से ये फोल्ड आ गया। अब हम ऊपर नेफा लगाएंगे। मैं देखिए यहाँ पे साइड से पहले ये लेस भी लगाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि नेफा लगाने से पहले मैं ये लेस लगाऊंगी, जिससे कि ये जो किनारी है ना सिलाई वाली वो दिखाई ना दे। ये देखिए अब जैसे मैंने ये लगाया, सेम इस साइड भी लगा लूंगी। देखिए इस तरह से ये मैंने लेस लगा ली। अब हम ऊपर नेफा जॉइंट करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने ये नेफा ले लिया और इसको हम ऐसे रखेंगे सीधा, ये और सीधा नीचे रखेंगे। इसको हल्का सा हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ऐसे करके इसको पूरे में जॉइंट लगा देंगे। देखो ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर लीजिएगा। बचा हुआ कपड़ा ऐसे फोल्ड कर देंगे, यहाँ पर भी इसे पक्का कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब इसको हम इस तरफ जोड़ देंगे उल्टा ऐसे। ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, देखिए ये मेरे पास छोटी सी ये पट्टी है जो मैंने दूसरी काटी थी, इसको हम एक नाड़ा बना लेंगे पहले तो, क्योंकि हमें दोनों तरफ से बांधने के लिए अटैच करना है इसलिए। ये देखिए हमने ये नाड़ा बना लिया। अब हम इसको नेफे को इस तरह से जोड़ने से पहले यहाँ पे नाड़े को ऐसे जोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहां से हम सिलाई लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये पक्का कर दिया। ठीक है, ऐसा ही एक पीस और बना लेंगे हम नाड़े का। मैं आपको अभी बेस बनाना बता रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। फिर डेकोरेशन हम बाद में करेंगे। अब सेम इसे भी हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये देखो हमने ये जॉइंट कर दिया। अब हम इसको पूरे को इस तरह से सिल देंगे, बैक साइड से ऐसे अटैच कर देंगे ये पूरा।
ये देखो नेफा बन के कम्प्लीट हो गया। नेफे पे चाहो तो आप लेस लगा सकते हो कोई भी। देखो नेफे पे मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप इसे पूरे पे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं पूरे पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर बांधने में प्रॉब्लम होगी लहंगे को कमर के ऊपर। बाद में जब हम इसे प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत सुंदर बन जाएगा। इसकी जो देखो इस तरह से ये बन के आया है। अब यहाँ पे हम बॉर्डर पे एक लेस लगा देंगे। पहले हम नीचे से फोल्ड करेंगे थोड़ा इसे। ये देखिए हमने नीचे से फोल्ड कर लिया। अब हम इस पे लेस लगा देंगे। देखो नीचे बॉर्डर पे मैं ये कटिंग वाली लेस लगाऊंगी क्योंकि बॉर्डर पे ना कटिंग वाली लेस बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा दूर से काटेंगे ऐसे। देखिए इसको बैक साइड पे जॉइंट करेंगे। एक सिलाई और लगा देंगे नीचे की साइड। ये देखो इस तरह से ये लहंगा बन के आ गया है। अब आप चाहो तो यहां पर भी लेस लगा सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लगाऊंगी एक पतली वाली, ये वाली थोड़ी सी दूरी पे लगाएंगे जिससे कि हमारा लहंगा जो है थोड़ा सा भरा भरा लगने लगे। बहुत सुंदर लहंगा बनने वाला है हमारा। एक सिलाई मैं सोच रही हूँ और लगा दूँ, वैसे जरूरत नहीं है, चलो देख लेते हैं। देखिए इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे। देखिए पीछे की साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और आप मार्केट के लहंगे की देख सकते हो आप। ये देखिए कितना खूबसूरत बन के कम्प्लीट हुआ है लहंगा। आप इसमें ना चाहे तो कुछ भी और भी, जैसे ये एक लेस लगाइए एक और लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो इस तरह से बहुत सुंदर लगेगा अगर एक और लगाएंगे। मैं एक और लगाऊंगी यहाँ पे, तो इस तरह से मैं एक और लेस लगा लेती हूँ। देखो इतनी पक्की सिलाई कर दी है, बिल्कुल नहीं निकलने वाली है। और ये देखो मेरी माता रानी का लहंगा बहुत खूबसूरत बन गया है। आप देखो साइज भी बिल्कुल फिट आ गया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए मार्केट से एक रेडीमेड चुनरी ली थी, तो इसमें गोल्डन कलर का वर्क था, तो इसके मैचिंग में मैंने ये लहंगा बनाया। अब इस तरह से ये बन गया। तो इस तरह से देखिए गाइस यहाँ पे हमने पूरा लहंगा बना के कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से बहुत खूबसूरत बन के आया है। ये देखिए प्रेस कर देंगे तो ये बहुत प्यारा लगने लगेगा। ये देखिए इस तरह से साइज भी इसका जो है सेम आ गया है, ये देख सकते हैं। इसलिए 1 इंच जो है ज़्यादा ही लेना चाहिए कपड़ा हमेशा। ये देखिए 4.5-5 के करीबन आ गया है। मैंने ये जो मार्केट से रेडीमेड चुनरी ली थी ना, इसके मैचिंग में मैंने ये लहंगा बनाया है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पार्टी वियर लहंगा, बहुत सुंदर लहंगा बना है सच में। तो
आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और हाँ गाइस, इसमें ना मैं आपको क्या कहते हैं माता रानी को पहना के भी इस ड्रेस को दिखाऊंगी, ठीक है? तो जब मैं पहना के दिखाऊंगी तब आप बताइएगा कि इसका लुक फाइनली कैसा है। शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।